नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज बाराबंकी से बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें, बाराबंकी के गांधी सभागार में आम आदमी पार्टी के युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने छात्रों के समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता नमस्कार, आप सभी को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि अगले महीने नवम्बर में 25 तारीख को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी की अगुवाई में आप छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वंशराज दुबे जी के नेतृत्व में प्रदेशीय महासम्मेलन कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सभी आम आदमी पार्टी छात्र विंग के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के पदाधिकारी वो नौजवान छात्र जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। आज उत्तर प्रदेश पार्टी समाज में हो रहे अन्याय, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं, उनके ऊपर जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, अपराध जैसी घटनाएं हो रही हैं, उन पर हमेशा आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी, सरकार से लड़ती रहेगी। और इस समय उत्तर प्रदेश में जो छात्रों की समस्याएं हैं, उन पर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग हमेशा से आवाज़ उठाती आई है। जो मुद्दे हैं छात्रों के, उन मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ती आई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में आम आदमी पार्टी छात्र विंग के द्वारा छात्रों के मुद्दे को लेकर दर्जनों प्रदर्शन किए गए। आम आदमी पार्टी बाराबंकी में आप अपने संगठन को कैसे बढ़ाएंगे? हम बाराबंकी में जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में, कॉलेज खुलने के बाद कॉलेजों में जाएंगे, उन छात्रों से मिलेंगे और अपनी विचारधारा को बताएंगे। इस विचारधारा के माध्यम से बहुत से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ गांधी सभागार में माननीय संजय सिंह के द्वारा यहाँ बाराबंकी क्षेत्र के तमाम जिला पंचायतों ने और प्रधानों ने, बीडीसी ने और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। उसी प्रकार हम हर एक कॉलेज जाएंगे, हर एक गांव जाएंगे, हर एक बूथ जाएंगे, हर एक बूथ से, हर एक कॉलेज से आम आदमी पार्टी छात्र विंग की टीम को कंप्लीट करेंगे, बढ़ाएंगे। आज के दौरान में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, हम जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पार्टी निरंतर उस अपराध के खिलाफ है और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, मगर सत्ता पक्ष में बैठी हुई ढोंगी सरकार उन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। शायद इनको ये नहीं पता है कि यही 24 करोड़ जनता जिसने आपको सत्ता में बिठाया है, वही आपको सत्ता से गिराने का काम कर देंगे। मन हो तो 2022 में देख लीजिए।